माई नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। मर्करी रेट्रोग्रेड 10th मई से 3rd जून तक रहेगा। मर्करी रेट्रोग्रेड होने पे हमारी डे टू डे लाइफ हैम्पर हो जाती है, क्योंकि मर्करी जो कि गवर्न करता है आपके कम्युनिकेशन को, आपकी स्पीच को, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स को, आपके पेपर वर्क को, आपकी जॉब को, आपकी एनिमीज को। जब मर्करी रेट्रोग्रेड होता है तो हमको हमारी डे टू डे लाइफ में ये सब रिजल्ट्स जो है मिलने को दिखते हैं कि हमारे को क्या क्या इश्यूज हमारी लाइफ में मर्करी रेट्रोग्रेड दे रहा है। क्या है ये इश्यूज, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको दिख रहा होगा। उस लिंक पे आप क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। मर्करी रेट्रोग्रेड होने से हम अपनी लाइफ को तो रोक नहीं सकते, बट मर्करी रेट्रोग्रेड स्पेल कर हम अपने लिए और हमारी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन जरूर ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मर्करी रेट्रोग्रेड प्रोटेक्शन स्पेल। तो शुरू करते हैं। आपको चाहिए एक प्लेट, स्टील की प्लेट आप लीजिएगा, फायर प्रूफ प्लेट लीजिएगा। आपको चाहिए 5 वाइट कैंडल्स, साथ में आपको चाहिए इंसेंस स्टिक्स, मैच स्टिक्स, सिनेमन पाउडर आपको चाहिए, नमक चाहिए, थोड़ा सा आपको ऑलिव ऑयल चाहिए और आपको टूथपिक चाहिए टू कार्व ऑन योर कैंडल। सो लेट्स बिगिन। सो 5 कैंडल्स, तो इसमें से आप एक कैंडल लीजिएगा एंड उस कैंडल पे आपको एल्गिस प्रोटेक्शन सिंबल बनाना है, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है, वो आपको अपनी कैंडल पे कार्व करना है टूथपिक से। सो आप एल्गिस प्रोटेक्शन सिंबल बनाएंगे, उसके नीचे, इस प्रोटेक्शन सिंबल के नीचे आप अपना नाम और आपके फैमिली में आपके साथ जो रहता है उनका नाम आप लिखेंगे। सो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फुल नेम आपको लिखना है एंड अपने नाम के नीचे आपको अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लिखना है। सो इस तरीके से आई होप आपको दिख रहा होगा कि मैंने पहले सिंबल बनाया प्रोटेक्शन सिंबल एल्गिस का एंड उसके बाद मैंने अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का नाम इस कैंडल पे काफ कर दिया। अब इसके बाद आप ऑलिव ऑयल लेंगे और ऑलिव ऑयल लेके इस कैंडल पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अब आप लेंगे सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। आप दालचीनी लीजिएगा, उसको घर में कूट लीजिएगा या पीस लीजिएगा और दालचीनी के पाउडर को, सिनेमन पाउडर को आप इस कैंडल में ऐसे ऊपर से डाल दोगे। अच्छे से आप सिनेमन पाउडर में इस कैंडल को रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसको अपनी प्लेट के सेंटर पे आप खड़ा कर देंगे। नाउ अब आप अपना फोन में कंपास खोलेंगे को आप अच्छे से रख कर, देन आप देखेंगे ईस्ट कहाँ आ रहा है, 4 डायरेक्शंस। अब जो ये कैंडल्स, जो रेस्ट 4 कैंडल्स हैं, ये आपकी 4 डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करेंगी। ईस्ट से हम शुरू करेंगे,
तो आपके घर का ईस्ट आपके कंपास पे आपको दिख जाएगा और उस तरीके से आप अपनी ये रेस्ट फोर कैंडल्स प्लेस करेंगे। सबसे पहले ईस्ट कैंडल प्लेस करेंगे, उसके बाद आप साउथ की कैंडल प्लेस करेंगे, उसके बाद आप वेस्ट की कैंडल प्लेस करेंगे एंड उसके बाद आप नॉर्थ की कैंडल प्लेस करेंगे। तो सेंटर में आपने अपनी कैंडल प्लेस करी जिसपे आपने अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लिखा था, प्रोटेक्शन सिंबल बनाया था। उसके बाद ये फोर कैंडल्स आपको ईस्ट से शुरू कर कर प्लेस करनी है। ईस्ट पे अपने कंपास पे आप देख लेना, क्योंकि हर घर का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग होता है। तो आप सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में आप कैंडल रखेंगे, फिर साउथ में रखेंगे, उसके बाद आप वेस्ट में रखेंगे, उसके बाद आप नॉर्थ में रखेंगे। नाउ अब आपको नमक लेना है, सॉल्ट लेना है एंड इस सॉल्ट को से आपको सर्कल बना देना है स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट। सो ईस्ट से आप सर्कल बनाएंगे। दिस इज द प्रोटेक्शन सर्कल यू आर मेकिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो आपको नमक डालना है, सॉल्ट डालना है, सर्कल बना लेना है। दिस इज द लेयर यू आर मेकिंग। थोड़ा सा ही डालिएगा, ज्यादा मत डालिएगा, कभी भर भर के डाल दो ऐसा नहीं करना। बस थोड़ा सा आपको बनाना है सर्कल। आप सर्कल बनाने के बाद आप लोगे इंसेंस स्टिक लेके ईस्ट से क्लॉकवाइज 3 times रोटेट करेंगे एंड विजुलाइज करेंगे कि आप जो है प्रोटेक्शन सर्कल बना रहे हैं अराउंड योर All 4 directions that will protect you, your family. ये second circle and ये third circle. So this is the protective shield, this is the protective circle for you and for your family from all the 4 directions that will help you to protect you from this Mercury retrograde. Up now with the help of the mesh stick, आप सबसे पहले ईस्ट से शुरू करेंगे। ईस्ट की आप कैंडल को जो है लाइट करेंगे, ईस्ट की कैंडल को लाइट करेंगे एंड लाइट करने के बाद आप स्पेल बोलेंगे, पावर ऑफ एयर हियर माय कॉल, ग्रांट मी माय फैमिली योर प्रोटेक्शन दैट इज आई ऑल आस्क फॉर। ये स्पेल भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। उसके बाद आप ईस्ट कैंडल से ही वापस से अपनी मैस्टिक जलाएंगे और अब आप साउथ की कैंडल को बर्न करेंगे। एंड नाउ दोबारा से आप स्पेल बोलेंगे, पावर ऑफ फायर हियर माय कॉल, ग्रांट मी माय फैमिली योर प्रोटेक्शन दैट इज ऑल आई आस्क फॉर। नाउ अब आप नेक्स्ट मैस्टिक अगर खत्म हो गई तो मैंने जैसे दूसरी मैस्टिक ली, मैं साउथ से ही इसको बर्न करूंगी और मैं वेस्ट की कैंडल को लाइट कर दूंगी। एंड नाउ अगेन आई विल रिपीट द स्पेल, पावर ऑफ वॉटर हियर माय कॉल, ग्रांट मी माय फैमिली योर प्रोटेक्शन दैट इज ऑल आई आस्क फॉर। नाउ अब वेस्ट की कैंडल से वेस्ट की कैंडल से मैं बर्न करूंगी नॉर्थ की कैंडल को। एंड अगेन आई विल रिपीट दिस स्पेल, पावर ऑफ अर्थ हियर माय कॉल, ग्रांट मी माय फैमिली योर प्रोटेक्शन दैट इज ऑल आई आस्क फॉर। सो इस तरीके से आपने चारों डायरेक्शंस को इन्वोक किया और उसकी प्रोटेक्शन अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ली। नाउ अब आप नया मैचस्टिक लाइट करेंगे एंड नाउ यू विल बर्न द कैंडल दैट रिप्रेजेंट यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इसको बर्न करेंगे एंड नाउ यू विल से द स्पेल, पावर ऑफ हाई Listen to my plea, may I and my family be protected by thee. Banish our fear
I light with your light. We are guarded, well protected and with a shield I rise. ये आपको थ्री टाइम्स रिपीट करना है, तो सेकेंड टाइम फिर से रिपीट करेंगे. पावर ऑफ हाई, लिसन टू माई प्ली, मे आई एंड माई फैमिली ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड बाई दी. बैनिश आर फियर, आई लाइट विद योर लाइट. वी आर गार्डेड, वेल प्रोटेक्टेड एंड विद अ शील्ड आई राइज. थर्ड टाइम, पावर ऑफ हाई, लिसन टू माई प्ली, मे आई एंड माई फैमिली ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड बाई दी. Banish our fear, I light with your light. We are guarded, well protected, and with a shield I rise. Now just close your eyes. And thanks to all four elements to come over here and to protect me and my family. Visualize that you and your family is overall protected by this Mercury retrograde. Thank you, thank you, thank you. And now you just open your eyes. Let these candles burn out completely. In candles ko aap bujhaiyega nahi, bilkul acche se inko properly burn hone dijiyega. This is a beautiful and a powerful spell jo aap sabko zarur karna chahiye is Mercury retrograde mein, kyunki Mercury retrograde hamari day to day life ko होल्ड करता है और हम सब चाहते हैं कि हमें इस डे टू डे लाइफ में मर्करी रेट्रोग्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमारे काम जो है अटके नहीं, हमारे कामों में प्रॉब्लम नहीं आए. एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूंगी. मेरे हस्बैंड के वन एक कलीग हैं, उन्होंने कल अपनी फ्लाइट बुक करी US जाने के लिए एंड उनकी फ्लाइट के लिए वो उनको उनकी फ्लाइट थी दिन में 1 बजे की एंड वो सुबह आज 9 बजे जो है एयरपोर्ट पहुंच गए. पहुंचने के बाद उन्होंने अपना बैगेज दे दिया, सारा क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया एंड जब लास्ट जब चेक इन अंदर ट्रेन में जाने लगे, बोर्डिंग पास जब चेक हुआ तो वहां पे उन्होंने उनका जब बोर्डिंग पास चेक हो रहा था तो जिसने बोर्डिंग पास चेक किया उससे वो पूछते हैं कि आप क्या US जाके 9 दिन एयरपोर्ट पे गुजारना चाहते हो? तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों, मैं क्यों गुजारूंगा 9 दिन एयरपोर्ट पे. उन्होंने कहा आपका वीज़ा जो है 10 दिन के बाद से एक्टिव हो रहा है फॉर US, 10 दिन के बाद से आपका वीज़ा है और आप 10 दिन पहले आ गए हो. तो मर्करी देखो क्या करता है, मर्करी रेट्रोग्रेड ये करता है कि आपके ट्रैवलिंग में भी आपको प्रॉब्लम दे देता है. बड़ा फनी फनी इंसिडेंट्स होते हैं मर्करी रेट्रोग्रेड में. आपके मेल ग्लिच हो जाएंगे, आपके ईमेल आप कुछ टाइप कर रहे होंगे उसमें वर्ड्स यू नो ऑटोमेटिकली सीरियसली ऑटो टाइपो मिस्टेक मर्करी रेट्रोग्रेड करवाता है, ईमेल्स में प्रॉब्लम हो जाएंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और फनी प्रॉब्लम देता है मर्करी रेट्रोग्रेड. तो बड़ा ही जब मेरे हस्बैंड ने मेरे को अलग इंसिडेंट बताया तो मैंने कहा मर्करी रेट्रोग्रेड का आप देख लो शुरू हो गया उनके ऊपर. सो दिस इज़ द पावर ऑफ मर्करी रेट्रोग्रेड. हमारी डे टू डे लाइफ को हम नहीं चाहते कि हमारी और हमारे फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में प्रॉब्लम आए. सो प्लीज़ आप ये प्रोटेक्शन स्पेल ज़रूर करिएगा. सो कमिंग बैक, आप इन कैंडल्स को पूरा अच्छी तरह बर्न होने दीजिएगा. बर्न होने के बाद अगर लेफ्ट ओवर वैक्स होता है, अगर वैक्स बच जाता है तो अपने घर के गमले में, आपके घर में गमला ज़रूर होगा, उस गमले की मिट्टी में वो वैक्स जो है आप डाल दीजिएगा. दैट विल यू नो हेल्प करेगी आपकी घर की एनर्जीज को शील्ड करने को और आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बनी रहेगी. अब ये स्पेल आप कब कर सकते हो? सो एज 10th May से शाम को 5:30 बजे से मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आप ये स्पेल 10th May की शाम से 5:30 के बाद कर सकते हैं. नहीं तो आप ये स्पेल 10th May से 3rd June के बीच में कभी भी कर सकते हैं. चाहें तो 10th May से 3rd June तक एवरी डे कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो 10th May से 3rd June तक जितने भी वेडनेसडेज आ रहे हैं, क्योंकि वेडनेसडे मर्करी को रिप्रेजेंट करता है तो उस सारे वेडनेसडेज पे भी आप कर सकते हैं. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको ये स्पेल बहुत अच्छा लगा, बहुत ईजी स्पेल है, ईजी टू डू स्पेल है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेल को करने के लिए. एज दिस इज अ फायर रिलेटेड स्पेल सो प्लीज़ बी केयरफुल, नज़र रखिएगा फायर पे, नज़र रखिएगा कि आस पास सराउंडिंग्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे प्रॉब्लम हो सके. सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक दिस प्रोटेक्शन
for themselves and for their family. So please do share on Facebook, on your WhatsApp group with your friends, relatives. And आपसे मैं फिल्म मिलूंगी एक नई वीडियो में. टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें. जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस समय समय पर मिलती रहे. लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. माई नेम इज मेघा गोयल. आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंगशुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच. एंजल्स लव फॉर एवरीवन. आत्मा नमस्ते.